रूम्स इन ए हाउस, हाउस मीन्स घर, रूम्स मीन्स कमरा। आज हम लोग रूम्स इन ए हाउस के बारे में जानेंगे। देर आर मैनी रूम्स इन ए हाउस, हाउस मीन्स घर, रूम्स मीन्स कमरा। एक घर में बहुत से, मैनी मीन्स बहुत, बहुत से कमरा होते हैं। दे आर मीन्ट, मीन्ट मीन्स हुआ मतलब अर्थ। फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अलग अलग काम के लिए अलग अलग रूम की ज़रूरत पड़ती है। दे आर मीन्ट फॉर डिफरेंट पर्पसेस, वी डू डिफरेंट एक्टिविटी, वी डू डिफरेंट एक्टिविटीज इन डिफरेंट रूम्स। अलग अलग रूम्स में अलग अलग तरह के कार्य किए जाते हैं। We do different activities in different rooms. हम लोग अलग अलग रूम में अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। This is a drawing room. यह एक drawing room है। We welcome our guest in this room. हम लोग welcome, welcome means स्वागत करना। Our guest, अपने guest का, अतिथि का स्वागत करते हैं। In this room, इस room में, ड्राइंग रूम में हम लोग गेस्ट का स्वागत करते हैं। दिस इज ए बेडरूम, यह बेडरूम है। वी स्लीप, हम लोग सोते हैं। एंड टेक रेस्ट, टेक रेस्ट मीन्स हुआ आराम करना। टेक रेस्ट इन दिस रूम, इस रूम में हम लोग आराम करते हैं। वी स्लीप, हम लोग सोते हैं। एंड टेक रेस्ट, और आराम करते हैं। इन दिस रूम, इस रूम में। दिस इज ए किचन, यह एक किचन है। वी कुक फूड, कुक फूड मीन्स खाना बनाना। वी कुक फूड, हम लोग खाना बनाते हैं। इन दिस रूम, इस रूम में। दिस इज ए डाइनिंग रूम, यह डाइनिंग रूम, यह एक डाइनिंग रूम है। वी ईट फूड, हम लोग खाना खाते हैं। इन दिस रूम, इस रूम में, डाइनिंग रूम में हम लोग खाना खाते हैं। दिस इज ए स्टडी रूम, यह स्टडी, यह एक स्टडी रूम है। वी स्टडी इन दिस रूम, हम लोग इसमें पढ़ाई करते हैं। स्टडी मीन्स होता है पढ़ाई करना, स्टडी मीन्स पढ़ाई करना। दिस इज ए बाथरूम, यह एक बाथरूम है। बाथरूम हुआ स्नान गृह, जिसमें हम लोग स्नान करते हैं। दिस इज ए बाथरूम, यह स्नान गृह है, एक स्नान गृह है। वी टेक बाथ, हम लोग स्नान करते हैं। इन दिस रूम, इस रूम में। वी कीप द नेसेसरी थिंग्स इन डिफरेंट रूम्स। वी मीन्स हम लोग, कीप रखते हैं। नेसेसरी, नेसेसरी मीन्स हुआ जरूरत का सामान। नेसेसरी थिंग्स, जरूरत का सामान। इन डिफरेंट रूम्स, अलग अलग रूम में अलग अलग जरूरी के सामान हम लोग रखते हैं। एन आइडियल हाउस, आइडियल हाउस मीनिंग होता है आदर्श घर। आइडियल हाउस, आदर्श घर। आइडियल मीन्स आदर्श, हाउस मीन्स घर। आइडियल हाउस, आदर्श घर। ए हाउस, एक घर, विच, जो, इज एयरी, एयरी मीन्स होता है हवादार। ए हाउस विच, जो, इज एयरी, हवादार हो। एंड हैज सफिशियंट, सफिशियंट मीन्स पर्याप्त। सफिशियंट ओपन स्पेस, खुला जगह, स्पेस मीन्स होता है जगह, खुला, पर्याप्त खुला जगह, मैंने काफ़ी खुला जगह होना चाहिए और हवादार होना चाहिए। इज कॉल्ड एन आइडियल हाउस, उसको क्या कहते हैं, आइडियल हाउस कहते हैं, आदर्श घर। एन आइडियल हाउस, एक आइडियल हाउस जो हैज मैनी रूम्स, बहुत से कमरे होते हैं। फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अलग अलग काम के लिए, उद्देश्य के लिए। We should keep, हम लोग को, should means चाहिए, keep, keep means रखना। Our houses, अपने घर को, our houses means अपने घर को, neat and clean, साफ और स्वच्छ। We should
keep our house neat and clean. हम लोग को अपने घर को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए. We do different activities in different rooms. We हम लोग को different activities अलग अलग तरह के काम के लिए different rooms अलग अलग कमरों की जरूरत पड़ती है. A house एक घर which जो is airy हवादार हो and has sufficient open space. Sufficient means हुआ पर्याप्त. Open space खुला जगह जहाँ पर्याप्त खुला जगह हो is called an ideal house एक आदर्श घर कहलाता है. We should हम लोग को चाहिए keep our house. Keep means रखना. Our house means अपने घर को हमारे घर को neat and tidy साफ और स्वच्छ. हम लोग को अपने घर को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए. अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें.